लापता 90 वर्षीय वृद्धा पार्वती देवी का शव 8 दिन बाद भड़मेली के जंगल में मिला। मिली जानकारी के अनुसार पार्वती देवी 20 मई को सुबह ही भड़मेली बाजार की तरफ निकली थी, लेकिन वे लौटकर घर वापस नहीं आई। लोगों को पोस्टों के द्वारा भी लापता वृद्धा की सूचना दी थी। जैसे ही वृद्धा का शव मिलने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। लापता 90 वर्षीय वृद्धा पार्वती देवी की लाश 8 दिन बाद भड़मेली के जंगल में मिलने का समाचार पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पार्वती देवी 20 मई को सुबह ही भड़मेली बाजार की तरफ निकली थी, लेकिन वे लौटकर घर वापस नहीं आई। लोगों को पोस्टरों के द्वारा लापता वृद्धा की सूचना भी दी थी। जैसे ही वृद्धा की लाश मिलने की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। एसपी अजीत सेन ने बताया कि वृद्धा 20 मई को घर से लापता हुई थी और लगातार तलाश जारी थी। सुजानपुर पुलिस ने छानबीन को लेकर पोस्टर तक सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को भी पोस्टर देकर वृद्धा की तलाश को लेकर सूचना दी थी। जैसे ही वृद्धा की लाश मिलने की सूचना मिली मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कल करीब 11 बजे भमरेली गांव सुजानपुर के रहने वाले कुछ लोगों ने हमको इन्फॉर्म किया थाना सुजानपुर में कि किसी महिला की डेड बॉडी भमरेली के पास जंगल में मिली है। मौके पे SHO भी गए हैं, DSP साहब भी गए हैं। वहां पे इंक्वायरी के बाद पार्वती देवी जिनकी उम्र 95 साल बताई गई है कि डेड बॉडी मिली है, और उसके बाद अभी उसका पोस्टमार्टम किया जाना है। प्रिलिमिनरी देखने से ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी दिनों से बॉडी काफ़ी पुरानी है, डेथ काफ़ी टाइम पहले हुई है। इनकी मिसिंग रिपोर्ट हमको मिली थी 21 तारीख की, और तब से ये मिसिंग थे, और अब हम इसका पोस्टमार्टम करने के बाद ही आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, ये डेड बॉडी पे कपड़े नहीं थे, पर कपड़े बॉडी की लोकेशन इस तरह की है कि वो एक जंगल में इस रोड के साइड में और छाया वाली एरिया में प्रेजेंट है बॉडी, और कपड़े नहीं है, पर कपड़े जो है वो उतार के ऐसा लग रहा है कि अपने सर के नीचे उन्होंने रखे हुए सिरहाने बना जैसा बना के।